जो व्यवस्था लेनी पड़ेगी अर्थशक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए, इसके लिए यह आवश्यक है कि जो स्थानीय उद्योग व्यापार वाणिज्य जो भी कारोबार है इसमें स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाएगा। जब स्थानीय लोगों से रोजगार भर जाएगा और जगह खाली होगी तभी बाहर के लोग ये जाएंगे, जिसके कारण आज जो रोजगार की हम समस्या देख रहे हैं वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए अर्थशक्ति को प्राउड लोगों को स्थानीय लोगों को देता है, स्थानीय लोगों का पूरा वर्चस्व रहेगा, जिससे कि उस क्षेत्र में कभी भी गरीबी बेरोजगारी महंगाई इन चीजों का कभी भी नामोनिशान तक जो से नहीं रहेगा, जिसके लिए ये व्यवस्था हमें लेनी पड़ेगी कि स्थानीय लोगों को पहले रोजगार दिया जाएगा उसके बाद ही बाहर के लोग नियुक्त किए जाएंगे अगर जगह खाली है, अगर उसकी आवश्यकता है तब। और अंतिम जो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था में हमें जो कदम उठाने पड़ेंगे वो यह है कि जो बाहर के माल आते हैं, जैसे बाहर के माल जैसे एक समाज एक क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में उत्पादन किया हुआ जो माल आता है वो, या विदेशों के भी माल जो आते हैं वो, ये जितने भी बाहरी माल हैं उन सबों को वहाँ रोक लगा दी जाएगी, वहाँ के बाजार से उनको बाहर कर दिया जाएगा। स्थानीय जो उत्पादित माल है उन्हीं को स्थानीय मार्केट में खपत करके स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा, जिससे कि वहाँ का की जो अर्थव्यवस्था है स्वावलंबी हो, वहाँ का कोई भी आदमी भूखा नहीं रहे, नंगा नहीं रहे, गरीब नहीं रहे, किसी भी तरह का आर्थिक अभाव से उसको नहीं गुजरना पड़े। तो ये पांच व्यवस्थाएं लेने से आर्थिक विकेंद्रीकरण होगा और आर्थिक शोषण समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा जो और प्रौत्स की एक बहुत जबरदस्त व्यवस्था यह है कि आज हमारे देश में गरीबी रेखा है, तो गरीबी रेखा का अर्थ है कि हमें गरीब रहना होगा या हम गरीबी को रखना चाहते हैं। प्रौत्स गरीबी को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना चाहता है, इसलिए प्रौत्स व्यवस्था में गरीबी रहेगी ही नहीं। कई लोग कहते हैं गरीबी रेखा है इसलिए अमीरी रेखा होनी चाहिए, गरीबी रेखा जब बनाई गई तो अमीरी रेखा क्यों नहीं बनाई गई। अरे गरीबी रेखा बनाने की क्या आवश्यकता है, हम गरीब क्यों रखना चाहते हैं, हम सबों को स्वावलंबी बनाने की बात सोचेंगे, सबों को आर्थिक रूप से स्वाधीन करने की बात सोचेंगे, आर्थिक स्वाधीनता की बात सोचेंगे, गरीबी की बात ही नहीं, सबों को सुविधा संपन्न साधन संपन्न करने की बात सोचेंगे। इसे आर्थिक रूप से स्वावलंबी करना है और धन संग्रह की एक सीमा रखनी है जो अत्यावश्यक है, तो इसीलिए जो गरीबी बेरोजगारी हम देख रहे हैं वो समाप्त हो जाएगी। और इसके लिए यह मैं बता देना चाहता हूँ हम अपने देश के वासियों को भी, भारतवासियों को भी, और साथ साथ प्रावकृष्टों को भी, और जो भी समाज के शुभचिंतक हैं, जो दुखी मनुष्य से प्यार करते हैं, जिनके हृदय में निस्वार्थ सेवा की भावना है, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वे इसके लिए आगे आए। आज जो शासन और प्रशासन है, जो अर्थव्यवस्था है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और इसीलिए यह कभी भी आर्थिक स्वावलंबन को आने नहीं देगी। इनका है कि कुछ अमीर लोगों को रहने के लिए, बाकी लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को गरीब रहना ही होगा, इसलिए गरीबी को लोग बरकरार रखेंगे। इसीलिए मेरा निवेदन है कि समाज से शुभचिंतक लोग, दुखी मनुष्य से प्यार करने वाले लोग खड़े हों, आगे आए और लोगों के भीतर एक क्रांति का बिगुल बजाए, एक आह्वान करे, एक निनाद करे, एक शंखनाद करे, जिससे कि लोग के जो प्रसुप्त यौवन है उनके भीतर जो शोषण की अत्याचार से लड़ने की जो उनके अंदर प्रेरणा है वो प्रेरणा जागृत होकर के समाज को खड़ा कर करके और इस अर्थव्यवस्था को बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक दे, अनैतिकता पर आधारित शासन व्यवस्था को समाप्त कर दे और एक ऐसी व्यवस्था लाए जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय हो, जिसमें कोई भी कष्ट नहीं भोग करे, किसी को भी अभावग्रस्त नहीं रहना पड़े। और इसी के लिए कुछ काफी समय पहले हमारे परम श्रद्धेय श्री प्रभात सरकार ने एक जबरदस्त आह्वान किया था, उस आह्वान को उन्हीं के शब्दों में मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा
कि अरुणोदय की लालिमा को चीर कर दूर नीले आकाश से दुंदुभी की आवाज आ रही है। वह कह रही है, उठो जागो और सोकर समय नष्ट मत करो। भाव जड़ता रूपी कुहासे के जाल को चीर कर फेंक दो और गगनचुंबी पर्वताकार चुनौती को अपने पैरों की ठोकर से चून विचून करके आगे बढ़ो। याद रखो, जय खुद नहीं आती, उसे पुकार कर बुलाना होता है। पसीना धूप खून की गर्मी और परिश्रम की अग्नि शिखा से उसका स्वागत करना होता है। जिस उद्देश्य से निकले हो उसे पूरा करना ही होगा। जब लक्ष्य महान है तो जय होगी ही। इसलिए मुर्दों की तरह पड़े रहकर समय गंवाने के बदले महाक्लब काश के आह्वान का यथोचित उत्तर देने के लिए तैयार हो जाओ। इसी मुहूर्त से तैयार हो जाओ। उनकी यह अमृतवाणी मेरे भीतर प्राणों का अदम्य संचार करती है। मैं आप सबों से आह्वान करूंगा, उठिए, खड़ा होइए, इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकिए, प्रवृत्ति व्यवस्था को लाइए। तो ये करुणा क्या, कितने भी करुणाएं भी इस व्यवस्था तो नहीं आने से रोक सकती हैं। अगर हम जग गए और हम क्रांति का बिगुल बजा दिए तो हम सभी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। ये करुणा भी भाग जाएगी और उसके साथ साथ जितने भी अन्य समस्याएं हम देख रहे हैं उनका भी समाधान हो जाएगा। हमारी प्रोग्रेस ब्लॉक इंडिया इसमें निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है और मुझे विश्वास है कि ये दुखी शोषित पीड़ित निपीड़ित मनुष्यों को एक सक्षम और सबल नेतृत्व प्रदान करेगी, जिससे कि आज समाज इस दुर्दशा की स्थिति में नहीं रहे और जिस खुशहाली का स्वप्न हमारे ऋषि मुनियों ने देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा, हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने देखा, वो जल्दी जल्दी हमारे दरवाजे पर आ जाए और हर व्यक्ति खुशहाल हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और आप सबों से आशा रखता हूँ कि आप सभी इस प्रयास में आगे आएंगे और हम लोग मिलजुल करके अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे। नमस्कार।